Daniel, we're back again. We're back again. Back, second episode. Really, bring it back. Are we really back, though, boy? That's crazy, boy. हिस्ट्री में शायद चार बार हुआ होगा टोटल कि हम अपने वर्ड्स पे उतरे, लाइक जो बोला वो किया. पत्थर की लकीर. लंगूर जाएगा एवरी वीक, एवरी मंडे 3 पीएम एक एपिसोड ऑफ लंगूर ड्रॉप्स. दैट्स क्रेजी कि हम फिर से कर रहे हैं, समझ रहे. दैट्स क्रेजी भाई, मैं बिलीव नहीं कर रहा. ये थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, दूसरे एपिसोड पे वो कर रहे हैं, बट लेट्स सी, होपफुली हो जाएगा. फिर पुटिंग अ पिन, पता चल गया पिन टू दिस. फिर वो फिर वो आएंगे भाई, डीएम आएंगे, वेयर इज स्ट्रीम, वेयर इज लंगूर्स. बट भाई डब्ल्यू रिस्पांस आई थिंक बहुत मस्त रिस्पांस भाई. डेफिनेटली भाई आई थिंक लंगूर्स इज मेन स्टे. वी विल ट्राई टू कीप इट हियर, वी विल ट्राई टू बिल्ड इट अप. और आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, लाइक जो वो थे ना, लाइक तू रिस्पांस देखेगा, कुछ वो थे, कुछ थोड़े सार्कास्टिक वो थे, लाइक टांगे खींचते हुए. दिस लॉट ऑन टू नथिंग. स्वागत एक नए नवेले एपिसोड में ऑफ लंगूर्स, हमारा पॉडकास्ट जहां पे वी टॉक अबाउट एवरीथिंग बट फुटबॉल. ये इंपॉर्टेंट है बोलना, ठीक है. जो रिस्पॉन्स रहा भाई चौंकी मेरे ख्याल से, आई थिंक मुझे लगता है कि भाई वी कैन ग्रो टूगेदर. जो हमने ऑडियंस, आई थिंक जो ऑडियंस देखेगी पॉडकास्ट, आई थिंक काफी नल्ले भी है. इट्स ओके टू बी लाइक नल्ला, लाइक समझ ले. बट आई थिंक वी कैन गार्नर थोड़ी स्मार्ट ऑडियंस, दो वी आर नॉट स्मार्ट. मतलब मैं तो नहीं हूं, मुझे पता ऑब्वियसली, बट वी कैन गार्नर थोड़ी वो ऑडियंस की बहन. जो वी कैन टॉक डिफरेंट टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग. मुझे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लॉन्डन बोले, कोई बोल रहा एलियन, एक बंदा पता नहीं क्या बोलता बहन चो, आर्किटेक्चर की बात करो पता नहीं कैसी. हम दलाल नहीं है भाई, हम मुंबई में प्लॉट ना बेच रहे, हम प्लॉट ना बेच रहे, लॉन्डे कर रहे भाई. तो लॉन्डे थोड़ी हरकतें कर रहे हैं. काफी कुछ था. आई थिंक दे थिंक कि वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग, व्हिच इज नॉट ट्रू. पता मेन पर्सपेक्टिव क्या है, पता मेरा जो पर्पस है, जो चौंकियो मेरा पर्पस है बेसिकली ये पॉडकास्ट करने का, हमारा पर्पस इज नॉट टू डू अ पॉडकास्ट. इट्स नॉट टू बेंचो कि हमको एक पॉडकास्ट करना है. हमारा पर्पस है कि भाई हम एक पॉडकास्ट करें, कोई भी टॉपिकल, फॉर एग्जाम्पल एलियंस या फिर कुछ भी एनीथिंग. एंड हम उसके लिए पूरे हफ्ते प्रिपरेशन करें ताकि हम खुद लर्निंग करें एंड देन वी टॉक अबाउट इट. इट्स नॉट कि बस पॉडकास्ट करना है. बट द प्रॉब्लम इज कि ये पॉडकास्ट में हमने मतलब हमने करी है प्रिपरेशन. हमने करी है नहीं, एनी गॉड डिड बिलीव इन अस साइड, गॉड डिड. बट हां, गॉड डिड. बट हां भाई, आई वुड से जो हमारा पहला टॉपिक है जिससे हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस पॉडकास्ट को, ठीक है, दिस इज थोड़ा लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, ऑब्वियसली काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड आई थिंक काफी अननेसेसरी है. बट मेरी इसमें एक टेक है. आई वॉन्ट टू आस्क चौंकी बकबकचोदी, अगर तुम इसे काफी लोगों को बताओ तो एक तुम याद है, तो एक इंस्टाग्राम पे एक कपल आता है जो कुल्लर पे जो कुल्लर पिज्जा बेचता है भाई. भाई पहली बात तो भाई एक सुन जा, अगर तुम्हें पहली बात तो पता क्रेजी नहीं है. आई थिंक आज के टाइम पे ना इट्स सो मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ चुका ऑब्वियसली, बट आज के टाइम पे आई थिंक इट्स टू इजी टू बी वायरल एज अ रेस्टोरेंट ओनर या फिर कोई ढाबा ओनर या फिर कोई भी फूड चेन ओनर. एक रील बनाओ भाई साहब, ऑफर क्या है भाई साहब, 100 रुपए में सब कुछ, भाई साहब 100 रुपए में सब कुछ फ्री. लोगों ने अपना जो वो बनाया ना लाइक सेलिंग पॉइंट, वो अपनी एग्जिस्टेंस सुना लिया. लाइक इट्स लाइक पहले क्या होता था, लाइक खाने का सेलिंग पॉइंट है कि फ्रेंच कुजीन है फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ मार्जे, ठीक है, कुछ रेस्टोरेंट है इस तरीके, कोई इटालियन है वो भाई नियोपोलिटन पिज्जा ला रहा है ओरिजिनल, लाइक दैट यूज्ड टू बी द एसेंस ऑफ लाइक गुड फूड, लाइक समझ रहे, फूड को मार्केट करना और कि वी गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. अब ऐसा लाइक सोशल मीडिया कह ले, कुछ ओसीडी कह ले, आई डोंट नो क्या लोगों के अटेंशन स्पैन क्या क्या, व्हाट हैपेंड कि लोगों ने ये बना लिया कि भाई मेरी, मैं आई डिड MBA and I am selling chai. हाँ, MBA chai. Exactly. वो status वाली B-tech, है basically. B-tech पानी पूरी वाली. ये हाँ. यूनिकॉर्न कपल है, कपल पिज्जा पिज्जा पॉइंट. What is this? Why are they doing this? एक वो है भाई, एक आर्मी आर्मी वाला बंदा जो चिकन मार चिकन कहीं पंजाब में बेचता है कुछ ऐसा, नहीं पता नहीं, पता नहीं भाई कुछ है, एक बहुत हैंडसम बंदा है जो नहीं सॉरी 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 एक फाइव स्टार वाला बंदा है जो फाइव स्टार होटल में काम कर चुका है, एक्स
वो कह रहे कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग 5-star का टेस्ट गलियों में. तो वो बेसिकली सड़क पर खड़े होकर चिकन काट रहा है बकचोद और 5-star सेल कर रहा है. ये बकचोद ये तो ट्रू है कि जो फूड का बेस्ट सेलिंग पॉइंट है वो टेस्ट है ऑलवेज. लाइक ऑलवेज बेस्ट टेस्टिंग रेस्टोरेंट जो वर्ड ऑफ माउथ से फैलते हैं कि भाई ये बहुत पॉपुलर है, अच्छा है, एग्जैक्टली इज द बेस्ट. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि जो इंस्टाग्राम से लौंडे वायरल हो रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल लाइक बहुत अच्छा ढाबा, इफ दे गेट फुटेज इट्स गुड, लाइक इफ दे आर एक्चुअली गुड इट्स गुड. बट कुल्लर पिज्जा, लाइक लेट्स कम टू कुल्लर पिज्जा, लेट्स कम टू द कपल व्हिच लाइक सॉरी लाइक वी नीड टू पहली बात तो अगेन उनका सेलिंग पॉइंट है कि वो एक कपल है और एक यंग है, समझ ले एक यंग कपल, लड़की लड़का सेलिंग कूलर पिज्जा. तो काफी लाइक पंजाब से तो प्रॉपर एक दे गेट सिंपथी कि वाओ ये कर रहे हैं, लाइक लड़की सपोर्ट करती है एक ऐसे बंदे को, समझ रहे हैं, जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है, वो स्ट्रीट वेंडर बन रहा है, कूलर पिज्जा बेच रहे हैं. एग्जैक्टली कि लड़के में कुछ है नहीं वेंचर पर लड़की तो सुंदर है लाइक टेक्निकली, तो ये लड़की हां के बोल रही है, तो इट्स अगेंस्ट द इंडियन नॉर्म्स थोड़ा वो जी. पर अब उनकी एक MMS लीक हो गई. It's over. Finito. Same is it over? I, but like modern economics, there are more avenues. I don't know like what's their long-term plan, but Come on, भाई. उनका जो पूरा वो था एक sanctity थी of their relationship कि भाई वो समझ रहे that was the idea right it's over imagine जो Indian chai वाला था उसकी वो आती है degree fail, he's absolutely destroyed. उसके साथ में सारे celebrity हैं, MBA भी नहीं तूने clear ही नहीं किया. How are you Indian chai वाला भाई? मेरे ख्याल से पता problem क्या है? Problem ये कि भाई देख ये तो मुझे पक्का पता है वो बेसिकली पता प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि वो जो सरदार है ना बेसिकली वो इंटरनेट पे प्लीड कर रहा है कि भाई मत करो, तुम्हारे घर में भाई बहन है, किसी ने AI से इसको वो एडिट कर दिया और बेसिकली हमें ब्लैकमेल कर रहा है वो सब बकचोदी. मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे अब जो उसने कर दिया वो तो फक्ड अप, लाइक यू कांट कंट्रोल द पीपल. अब वो तो लिंक मांगेंगे, दे विल आस्क फॉर द लिंक, दे विल वांट इट, वो तो मांगेंगे, यू कांट कंट्रोल इट. बट प्रेस लाइक जेन्युइनली बताऊं भाई, आई सिंपथाइज विद हिम जेन्युइनली. Well, not him, but जो लड़की है, but he's fucking his wife. It's okay, भाई. Like not a big deal. Like समझ रहे हैं? और एक तो the way you said, no, bro. भाई excuse me. भाई come on, भाई it's not a big deal. Come on, Vinay. हाँ ठीक है. Like on, he's not doing कोई promiscuous shit, कोई like cheating. It happens. Then again. But record करके डाल दिया. भाई हाँ, like it's crazy. आज के ज़माने में digital blueprint like it never goes away. वो समझ रहे हैं? Like it's a stupid shit to do. बहुत ही stupid shit again, what can you do? मतलब again आप sympathy like किसी की गलती पे sympathy कर सकते हो I guess, like क्योंकि देख सफर तो बहुत करेंगे in the end, like you can the only come on भाई एक सुन जाए, एक तो पंजाबी है ठीक है, एक तो सिख टाइप है, let's come to the reality ठीक है भाई, they are very strict about it, come on, you don't see a lot of like I'm not saying कि कुछ different culture में allowed होगा, obviously नहीं है भाई, but still यहाँ पे थोड़ा कुछ ज़्यादा strict है भाई, come on, like you don't see लड़कियां like you don't see that, sorry you don't see कि मतलब बेंच that you don't see that like मैं देखा नहीं भाई, I don't know, मैंने देखा नहीं जितना मैंने जिंदगी जिया मेरे को पता नहीं. तो it's crazy भाई, it's थोड़ा crazy कि ये हो गया. मतलब I but हाँ भाई मतलब I don't know भाई, I think वो deserve भी करते, to be honest जितना जल्दी fame मिला बेंचोद वो deserve तो नहीं करते, obviously deserve तो नहीं करते, but actually sorry no man wishing one true downfall ना glitch नहीं है matrix में कि तुम बेंचो बस मेकअप करके आ जाओ, लाइक लाइक आई नो कूलर पिज़्ज़ा बट कम ऑन भाई, देयर इज अ पता है एक और रील मैंने देखी थी रिसेंटली, अभी देखी थी, एक 72 साल के अंकल 72 ठीक है, पाइनएप्पल काट के बेच रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, लाइक उनको बेसिकली रील थी और क्या भाई मैंने भी देखी है वो, तूने भी देखी है शायद भाई, वो एक रील है, एक बेसिक रील है कि एक अंकल उनके हाथ लाइक हिज टू ओल्ड उनके हाथ शेक कर रहे हैं, वो पाइनएप्पल काट रहे हैं बेच रहे हैं और कह रहे कि उसे बच्चे ने उसे घर से निकाल दिया, उसे जो भी बच्चों थे मुझे पता जो भी वो बेसिकली द रील गाय ही वांटेड टू सेल इट, मुझे पता नहीं बट जो भी है, वायर ने दे नॉट गेटिंग सिंपथी लाइक समझ लाइक जब लाइक वो बच्चों थे ना कि थोड़ा पोलैरिटी बड़ी गली सी, देन अगेन फिर लाइक अगर तू वो देखेगा तो फिर लेट्स लुक एट आवरसेल्व्स, क्या कहना चाह रहा है, मेरे हाथ नहीं कांप रहे भाई, भाई मेरे हाथ नहीं कांप रहे, let's not throw ink on others, क्या कहते हो कलंक,
कलंकित नहीं करते दूसरों को। कलंकित किस सेंस में? मतलब तो लगता है मैं कलंकित कर रहा हूं उनको, कपल को? अरे तू तुझे ऐसे वो कह रहा हूं कि बट वो जो ये नैरेटिव है ना कि आजकल कोई भी पॉपुलर भाई लोग मोटा है कोई बंदा वो नाच रहा है उसका यही बन गया। पर नहीं यार मैं नहीं वो नहीं कोई मेकअप कर रहा है, कोई मेकअप कर रहा है वो उसका वो ठीक है भाई ठीक है पॉपुलर तो हम भी रोल से, पर मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम वो नहीं है, वो भी अनफेयर है टू बी ऑनेस्ट, बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई एग्जैक्टली भाई कम ऑन लाइक आई थिंक अगर तुम इतने लाइक रिवॉर्ड्स रीप करोगे उस बकचोदी के कुल्लर पिज्जा बीच बीच के एंड यू सेल द कपल पॉइंट एंड फिर बात तो एक्सेल भाई ब्लैंक अगर तेरी शादी होगी विल यू रिकॉर्ड योरसेल्फ विल यू डू दैट विल यू एवर रिकॉर्ड नो वे भाई नो वे तू समझ नहीं आ रहा बहन को रिकॉर्ड करने की शिट टू डू भाई दैट्स पर ऐसा क्या ट्रिगर भाई उनके दिमाग में जो हम समझ नहीं पा रहे कि वो रिकॉर्ड कर ये कोई फ्लेक्स है बहन चोद किसी को दिखाने के लिए कि मैं कर पा रहा हूं ये वो इट्स वियर्ड डायनेमिक्स क्या डायनेमिक्स क्या उस बहन के दिमाग में सही में नहीं पता भाई ये वियर्ड भाई कुछ सम थिंग्स आर बेटर टू रिमेन अनफुलफिल्ड अगर है भी लाइक पीपल हैव ऑल काइंड्स ऑफ शिट इन देयर माइंड्स तो भाई सम टाइम्स think about god tab bhagwan se om shanti om shanti bhai bhai you don't got to do some things in life ha bhai don't do drugs don't do this shit bhai always good advice pata hum aayenge main part but pata main ek cheez kafi notice kar raha hu aajkal matlab genuinely this is how I'm trying to live school mein school mein aise scam hote the ki drugs kar raha hai wo pakda gaya ya something weird something obviously in 7th class example एक हमारी क्लास में लड़का था जो फेल हो चुका था दो साल तो बेसिकली उसको नाइन्थ में होना था वो सेवंथ में था तो ये बच्चों ठीक है सेवंथ में लड़का है वो बिल्कुल छोटा बहुत छोटा लाइक साढ़े चार बोना है बेसिकली वो बोना है बेसिकली ठीक है मरा पड़ा बिल्कुल लेकिन मतलब मैं भी बहुत मरा पड़ा था बट एटलीस्ट मतलब मैं भी लाइक आई कांट सी आई कांट चैट शिट टू हिम क्योंकि आई वाज आल्सो थोड़ी सेम कैटेगरी में सेवंथ में तो कम लाइक सेवंथ में बहुत लाइक मैल न्यूट्रिशन था बेसिकली अभी भी हूँ बट कुछ ज्यादा उस टाइम पे तो वो लड़का बिल्कुल छोटा मरा पड़ा आवाज बिल्कुल स्क्वीकी खत्म और एक था सेवंथ उसी क्लास का लड़का जो थोड़ा डोमिनेंट था उन्हें पुंबार सिम क्यों कौन से थे पुंबार कौन सी थी वो मूवी पुंबार सिमोन लायन किंग टिमोन 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 और पुंबार जो भी है वो वाली डुओ था ठीक है एक वो डुओ इमेजिन कर ले वो डुओ ठीक है हम क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर सिमोन वाज कॉट गिविंग अ ब्लो जॉब टू पुंबा भाई ये क्या सेवंथ क्लास सही में सही में सही में पुंबा अच्छा पुंबा को makes sense so nine said he had the hormones pata kya hota like genuinely pata kya hota na this is crazy but like basically so yes hum apne like school mein school ke bahar kahin theek hai kahin bhi ground mein bhul gaye wahan pe cricket khel rahe the ball gayi bahar to ball lene banda kya jhadiyon ke paas he was giving it he was caught no disgusting nahi disgusting come on and basically जो पुंबा था ना पुंबा जो बेसिकली थोड़ा डोमिनेंट था उसने फोर्स टाइप करा था समथिंग वाज हैपनिंग कुछ गलीच हरकतें हो रही थी अब अगेन मैं कोई सरकारी स्कूल से नहीं मतलब मैं उस स्कूल से नहीं था मैं सही में भाई कैसा स्कूल है भाई स्कूल का नाम मत लियो बाय द वे स्कूल का नाम मैं नहीं लूंगा बट अगेन लाइक वो बकचोदी हुई थी तो इट हैपेंस भाई इट हैपेंस बट अगेन वो जो बंदे थे वो ऐसे मैं थोड़े वो लॉजिस्टिक्स में थोड़ा बिग ब्रेन शिट करने की सोच रहा हूं अगर हम स्कूल का नाम लेंगे और फिर वो स्कूल वाले आएंगे और वो की डीफेम हो गया दे कैन डू दिस दे कैन एक्चुअली दे कैन एक्चुअली डीफेम मी लाइक मेरे ख्याल से देखें हां कि वो पर आई थिंक दे कांट क्योंकि मतलब लाइक नहीं डाल सकते पर हुई थी बात तो कोई बात नहीं ठीक है भाई मेरे को इससे पता है मैं एक रिसेंटली वो पढ़ रहा था तू है नहीं उस
जोन में, बट बेसिकली मानवा होती है, मानवा इज लाइक कोरियन कॉमिक्स, तो दे आर मेड फॉर ऐसे स्क्रोल करके रीड करने के लिए होते, लाइक फोन के लिए बनती है स्पेसिफिकली, एक स्क्रोल करके तुम रीड कर सको, और वो इट्स लाइक अ क्रेजी, इट्स अ सुपर क्रेजी स्टोरी. जिजुकियो नो रोनिन कुछ करके उसका नाम है, एंड इट्स अ वेरी वाइल्ड, टोटली अनरियलिस्टिक बट लाइक एक डिस्गस्टिंग, एक जो तेरी शिट दैट मेक्स योर स्किन क्रॉल टाइप, लाइक इट्स ओके, उस टाइप की स्टोरी है. तो उसमें क्या होता है बेसिकली, एक एक टिमोन है जैसे तू बता रहे, लिटरली एक टिमोन है. और भाई क्या होता है, वो एलिमेंट्री स्कूल में he has like five other kids who are bullying him, और the वो like normally क्या होता है, like अगर तू मूवी शो में like bullying is ठीक है, चले कितनी bullying, थोड़ा मार दिया थप्पड़, but that's the peak, maybe कोई wacky story में कुछ गलती से कोई मर गया, but they were basically those five guys are basically psychopaths, पांचों के पांचों psychopaths थे, तो उनकी sense of morality, ये कोई Korean school है basically, हाँ कोई Korean school में elementary school है. उधर एक टीमोन जाता है और उधर ये पांच बंदे हैं जो कि साइकोपैथ है बिल्कुल, कंधे वाले बुली, तो दे डू सम बहुत डिस्गस्टिंग शिट जो ऐसे बताना भी मुश्किल है, लिटरली बहुत बुरी तरह, एंड दे फाइव पांच बच्चे, सोच एलिमेंट्री स्कूल वाले बच्चे, आई डोंट नो क्या एज थे, मिडिल स्कूल से पहले वाले जो भी होते हैं, तो दे किल हिज फैमिली समहाउ, एक्सीडेंट करवा के, और उसके भाई को बेसिकली वेजिटेटिव स्टेट में जिंदा होते उसका भाई, but he's in vegetative state, तो hospital में पड़ा रहता है. What is vegetative state? मुझे पता नहीं. He's like आई coma में, comatose. अच्छा ठीक है. Comatose. जैसे कि coma में. ठीक है, तो फिर वो और उसकी life एकदम समझ रहे हो, ruin. He's thinking like you cannot imagine the pain he's in. और वो जो description है ना, again I don't want to spoil everything, क्योंकि जब तू वो पढ़ेगा, तब it will make your skin crawl. That's how crazy it is. और क्या होता है उन पर उसको ना, उसके पेरेंट्स हमेशा मना करते थे कि दादाजी के पास मत जाओ, दादाजी थोड़ा अलग रहते थे पहाड़ पे, एक जगह उनकी कुटिया सी थी, वो अपना रहते थे फार्मिंग, अपना सिंपल रह रहे थे, पर उसके मदर फादर उसे मना करते थे कि दादाजी से जाके मिलो मत, उससे थोड़ा दूर रहो, दादाजी थोड़े स्केरी थे. ओके उसके दादाजी वर्ल्ड वॉर टू के वेटरन थे, तो वो थोड़ा यू कैन इमेजिन थोड़ा PTSD और समझ रहे ऑल दैट शिट. टर्न्स आउट ही वाज एक स्पेसिफिक, एक कोरियन या जापानीज आई डोंट नो, कुछ एक स्पेसिफिक वो थी टास्क फोर्स टाइप, लाइक एक कोई कमांडो फोर्स टाइप थी, बहुत सीक्रेट, दे वर मेंट फॉर द लाइक सबसे हाई, लाइक हाई इंपॉर्टेंस वाले मिशंस के लिए, उनके लिए थे बस. और उसको एक वो भी एकदम थोड़ा सटका हुआ ही था ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब यू कैन नॉट बी एक उस टाइप का बंदा वर्ल्ड वॉर टू में ऐसा क्रेजी कमांडो जो सटका हुआ ना, ठीक है. उसके दादाजी अपना लास्ट रिसोर्ट, हाँ उसका सब खत्म हो चुका है उसकी फैमिली में, भाई मर चुक, भाई बेरली जिंदा है, घटिया लाइफ है उसकी, भाई मतलब क्या है, फूटा हुआ जलावा था, he is not even अवेक, और उसकी मदर फादर दोनों मर चुके हैं, और उसको स्कूल में रोज बुली हो रहा है बुरी तरह उसके साथ, लाइक जो भी तू इमेजिन कर रहे ना वो हुआ, जो भी यू कैन इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है. ब्लू जॉब दे दी, जाते अपने दादा के पास, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है. और वो दादा उसे बेसिकली ट्रेन करता है टू टेक दिस रिवेंज, एंड इट इज द स्टोरी ऑफ दैट बॉय ट्राइंग टू किल फाइव ऑफ देम, और वो बहुत बहुत वाइल्ड है, इट बिकम्स वेरी वाइल्ड, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड फिर वो सब, और वो पूरा टॉर्चर कर रहा है, लाइक इट्स अबाउट टॉर्चरिंग बेसिकली, इट्स अ बुक अबाउट कि टॉर्चरिंग और ये डिस्गस्टिंग, बट लाइक कोरियन टॉर्चर्स में होता है, ये कोई इंटरेस्टिंग जॉनर है क्या, डू वी नीड टू, भाई बाय द वे दिस इज क्रेजी, जो जापानीज है जो मांगास और मानवा ये सब लिखते हैं ना, I don't know, मैंने इतना हिंदी लिटरेचर नहीं पढ़ा है, तो मैं कह नहीं सकता, बट आई कैन से दिस स्पेसिफिकली कि पर इनके लिटरेचर में दे हैव अ इंक्लिंग फॉर इट, दे हैव अ नीड फॉर इट, आई डोंट नो, इट्स बहुत पॉपुलर है, बहुत बुरी तरह पॉपुलर है ये, तो आई थिंक दिस इज इवन लाइक स्टिल अ मोर क्या बोलेगा, चिल्ड्रन फ्रेंडली, एंड दिस वाज क्रेजी फॉर मी, लाइक काफी क्रेजी थी, there are shit जो लोग लिख रहे हैं उधर, पता नहीं होता क्या, awareness create करते हैं regarding ये बकचोदी, फिर like होता क्या, पता है, I think I don't know, देख उधर ये culture तो है, with I think उनके schools वगैरह, I don't know if it's true or not, but at least ऐसा वो portray करते हैं bullying को लेके, और तुझे याद है, like I think अब तो laws वगैरह change हुए उनके,
पहले कुछ ऐसा होता था कि उनके सीरियल किलर्स भाई ऐसे उनको डेथ पेनल्टी नहीं थी, कुछ ऐसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट इम्प्रिजनमेंट नहीं था, कुछ ऐसा था जो पता है ऐसे उनके लॉज ऐसे थे। तो इट्स लाइक कि एक कल्चर में सेटेड है कि भाई लोग इतने पागल हैं। भाई देर इज वन बहुत फेमस, एक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट गर्ल, इट्स अ सुपर सैड स्टोरी, तू सर्च करियो। उस लड़की को पकड़ा था किन्हीं चार बंदों ने, शायद उसके स्कूल के ही थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिड ऑल द बैड शिट यू कैन इमेजिन। उसको फिर जला दिया था, फिर सीमेंट में, लाइक बहुत बुरी उसकी, लाइक एक हफ्ते में इट वॉज प्योर हेल, लाइक 7 days ऑफ समथिंग कुछ ऐसे कहते, 7 days ऑफ हेल कुछ ऐसे करके सर्च करेगा तुझे मिल जाए। और वो चारों के चारों इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनमें से दो आर स्टिल अलाइव एंड उनके नेम वेम चेंज करके दे आर इन पब्लिक। और आई एम नॉट क्रेजी, मैं एक बार इसके उसमें था, मेरे को एक ट्विटर पे किसी ने डीएम भेजा था ऑफ सम ट्वीट जिसपे एक देवर आउटरेजिंग कि ये बंदे इन्होंने छोड़ दिए जापानीज लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह ने आफ्टर सम टाइम जो भी उनका पीरियड होगा। और उनमें से एक बंदा ट्विटर पे भी, और वो पूरा इट्स अ डीप रैबिट होल, लोग वो एक ट्विटर अकाउंट के नीचे कह रहे किल योर सेल्फ किल योर सेल्फ, क्योंकि वो उस टेक्निकली ही वाज दैट गाय, उनमें से एक बंदा जिसने उस लड़की के साथ वो सब किया। तो भाई उधर है, लाइक आई डोंट नो, लाइक उनके थोड़ी उस साइड देयर इज सम क्रेजी शिट हैपनिंग विद ऑल दिस। ठीक है भाई, मतलब हाँ, मतलब हाँ भाई, आई थिंक क्या थोड़ा वो तो हैवी डर रहे, है। इज ही नॉट पुटिंग फुटबॉल थ्रेड्स ट्विटर पे, क्या वो टैक्टिक फुटबॉल टैक्टिक तो नहीं हो बैन करने, कोई बकचोदी कर रहा हूँ उसकी लाइक कर रहे ट्वीट, हमें नहीं सही पता भाई में वो कुछ भाई, अरे नहीं है मे भाई, भाई मुझे पता नहीं भाई। अब ऐसा पता है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये तूने मेरे को बोला और मुझे बहुत वियर्ड लगा कि भाई क्या हो रहा है वहां पे, ऐसी क्या चीज होगी इंडिया के बारे में जो लोग बोले भाई इसमें इंडिया क्या हो रहा है, अगर कोई फॉरनर सुनेगा तो कोई ऐसी चीज है इंटरेस्टिंग सी क्या सुनेंगे भाई, ये क्या बकचोदी है, अपार्ट भाई फ्रॉम कि हमारा कल्चर क्या है अभी वो वो काओस भाई कुछ वो नहीं। हाँ वो पॉपुलर हो रहा था ना अभी, आई थिंक एक कोई ऐसे था, एक आई डोंट नो, ये जब से कनाडा इंडिया वगैरह हुआ है तो बहुत सारे लाइक हाँ वो भी स्लेट कर रहे हैं, वो इंडिया बेकार है, समझ रहा है, इट हाँ बिकम्स वो तो लाइक बकचोदी, वो तो एक एक दूसरे बकचोदी पे मड़ गए। हाँ वो ट्विटर वर्ड है, तो उसमें कुछ ऐसा था कि कोई रील वगैरह फेमस हो रही थी और कुछ उसने किसी ट्विटर पे उसको क्लिप डाल रखी थी कि वाराणसी के बता रहा था, एक फॉरनर ही था ट्रायल हाँ करते हैं और बता, हाँ और उसमें ऐसा था कि उनके लिए दिस वॉज क्रेजी कि वाराणसी में जैसे वो भी होता है क्रेमेशन होती है, तो वहां पे लोगों को जलाया जाता है, वो तो होता ही है। हाँ तो वो ये दिखा रहा था कि वहां पे लोग जल रहे हैं, लाइक जो क्रेमेशन हो रहा है, और वहीं पे बच्चे खेल रहे हैं एक स्टेज, उधर कोई पास में स्टेज होगा उधर, ये तो लाइक ठीक उनके लिए है, दिस तो इज वो दिखा रहा है ओन बेसिकली अच्छी आओ। कि भाई कि वहां पे ह्यूमन मीट इज बर्निंग, जलाया जा रहा है, और वहां पे ऐसे बच्चे और सब, लाइक आई थिंक इट्स अ जनरल वेरी परसेप्शन जो है ना, जनरल परसेप्शन तो वही है बहुत ही, वो कि अनहाइजीनिक है, गंदे हैं, अनएजुकेटेड बिल्कुल है, इलिटरेट, जनरल परसेप्शन ये है जनरल कि ओवरऑल इंडिया में ऐसा बिल्कुल होगा ओवरऑल कि लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब है वो सब चीजें। और पता है शॉकिंग बात की, जब आते हैं कुछ फॉरेनर्स बहन जो बोल एक दिखता है शॉक, लाइक उनको शॉक लगता है बेसिकली व्हेन दे कम मोस्टली, मतलब ऑब्वियसली अगर तुम हाँ स्लम्स में घूमोगे तो अगर तुम्हारा मन करता तो, ये तो मुझे पता नहीं बहन जो, पता है एक वीडियो वायरल हुई थी होली के टाइम पे, एक लड़की थी बेसिकली तो जो देखी होगी कि वो जा रही थी बिल्कुल फॉरनर थी, सड़कों में घूम रही होगी ऑब्वियसली, तो लाइक इंडियंस बेसिकली हाँ उसको रंग लगा रहे हैं हाँ प्रॉपर, उस पे हरकत कर लाइक दिया ये बकचोदी सब। कर रहे हैं हाँ बेसिकली। प्रॉब्लम ये पता है, ये पूरी प्रॉब्लम है ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, ये काफी इंटरेस्टिंग है भाई कि कैसे किसी को कोई भी चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लाके लाइक तुम पूरा नैरेटिव सेल कर दो, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लाइक आई कैन सेल एनीथिंग अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दूं, आई कैन सेल लाइक, और पता पीपल आर विलिंग टू बाय इट, लाइक मैं खुद खरीदता हूँ भाई, लाइक आई खुद बाय इट, समझ रहे, लाइक हम खुद खरीदते हैं, ऐसी काफी चीजें कि हम कॉन्टेक्स्ट जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है भाई हाँ ट्रू होगा ठीक है, और पूरी इमेज फॉर्म शॉर्ट नहीं अटेंशन स्पैन को हाँ ट्रू ट्रू। और वैसे भाई। मैंने देखा है लाइक जो ये फॉरनर्स वगैरह का होता है ना इन टर्म्स, इनके एक तो थोड़ा एक वियर्ड ऑलमोस्ट लाइक अ किंक ऑफ कि थोड़ा इंडिया लाइक ठीक है, इंडिया इज लाइक दैट, लाइक देयर इज नो हाइडिंग इट, ठीक है। और मतलब कह सकते हो कि इसमें बहुत बुरा है, बट देर आर गुड थिंग्स एज वेल, लाइक बहुत अच्छी स्टोरीज भी हैं, ऑब्वियसली बहुत समझ रहा है, देर इज गुड इन इन दिस एज वेल, पर उनके अंदर ना ऐसे किंक्स है लाइक टू आइदर देल ग्लोरिफ लाइक बाहर से, क्योंकि उनके लिए तो हमेशा इट्स टूरिज्म, वो तो आएंगे गाड़ी में, वो दे कैन स्पेंड देम डॉलर्स, दे कैन हाँ समझ रहे हैं, दे तो नो उनके कि लिए इट्स इंडियन लाइक इंडियन व्लॉग्स में व्यूज आते हैं, दे नो तो बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ दे नो बिल्कुल हाँ व्लॉग्स में व्यूज आ रहे हैं, तो वो भाई वो एग्जैक्टली इट्स लाइक कि वो एक्सपीरियंस करके वो इट्स वो कभी भी तू लाइक स्पेशली वेस्टर्न जो मीडिया वगैरह है, यू विल नेवर सी अ वेरी गुड पिक्चर इन जनरल इंडिया की पेंटेड, नेवर, कभी भी नहीं। इनफैक्ट मैं कहूंगा भाई जो अलॉट ऑफ जियोपॉलिटिक्स है इंडिया और वेस्ट को लेके, तू कनाडा वाला सीन ले भाई पूरा,
इट्स इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट बाय परसेप्शन और वो मीडिया टॉक रादर देन ग्राउंड वैल्यू. व्हाट कनाडा हैज अलाउड लाइक ओवर द इयर्स, सबको पता ही है, कम ऑन भाई, लिटरल क्रिमिनल्स आर गैंग्स, सब कुछ वहां पे रह रहे हैं, वो इंडिया में आके क्राइम्स कर रहे हैं, सब कुछ उनका कार्टेल्स है यहाँ पे, और वो आराम से वहां पे सेफ है, वहां पे कनाडा में मस्ती कर रहा है, गानों में होता है, गानों में होता है तो भाई. और फिर जब कोई somebody murks them, when somebody murks them, और तुझे पता है weird, वो कोई गैंगस्टर नहीं, आई एम फॉरगेट, कोई बहुत फेमस गैंगस्टर, गैंगस्टर लाइक आई डोंट नो दिल्ली वगैरह कुछ, उसने बोला कि हमने मरवाया उस बंदे को, हमने मारा, उसने लाइक बोलते हैं भाई सिद्धू मूसेवाला बोला उसका केस कि भाई मैंने करा भाई, मुझे उससे इंटरव्यू लेना है कि भाई मैंने करा, उसने उससे पंगा लिया हमसे, मैंने करा, बड़ा सीन था. तो भाई अजीब है भाई, क्रेजी सीन है. जब तुम्हारे जब तुम्हारे रूट्स बेसिकली, जो उसका भी सीन हो ना शुभ का, तो पता है शुभ का भी सीन ये बकचोदी है, हां शुभ का भी सीन, मतलब रैपर क्या बोलूं, म्यूजिशियन है जो बेसिकली पंजाबी म्यूजिक. अच्छा भाई लाइक हिज सॉन्ग स्मैक्स लाइक लेट्स नॉट रैप, बट अब अल्टीमेटली ये कह रहा है कि भाई चेक नहीं, अल्टीमेटली भाई उसका ये सीन है कि भाई ही इज सेइंग कि भाई जो आई एम द पंजाबी, मेरी पंजाबियत, ये सब चीजें. अब अगेन I don't know, भाई, it's weird, like, I don't know, क्योंकि ये सब settled है basically पंजाब में, समझे? इनके roots are in India, they moved to foreign country या फिर they're born there, जो भी इनकी lineage है basically. The thing is कि they get, अगर मैं logically बोलूँ ना logically, they bear the fruits of Indian audience कि भाई हाँ, ये तो शक नहीं, अब तो भाई मैं पंजाबी, मैं तो Indian भी हूँ, पर when shit hits fan, हाँ, थोड़ा वो बकचोदी. और भाई मेरे को ये थोड़ा वियर्ड लगता है शुभ, जैसे वो तो, जैसे उसने शायद इंस्टाग्राम पे डाला भी हो भाई, नोबडी का क्वेश्चन है, एक स्टोरी शेयर करी जिसमें आई थिंक कश्मीर का ऐसा कुछ मैप नहीं था, हां वो सब कटा हुआ, पंजाब वगैरह कटा हुआ, यस यस एग्जैक्टली, तो उसका स्टोरी शेयर करते शो था, उसका पूरा टूर कैंसिल हो गया, वेंचूर टूर कैंसिल हो गया. अबे और तू ये सोच जो वो आई थिंक बिल्कुल फेयर, हां फेयर है भाई, हिपोक्रेसी अगेन, वो वाली चीज आप लोग कहीं कैंसिल, इट्स नॉट अबाउट कैंसिलेशन, उसकी कैंसिल हटा दो जब वो ओपनली बोले कि भाई ये सेपरेटिस्ट जो है वो गलत है, बट ही डजंट डू दिस राइट. ओपनली तो वो क्या कर रहा है, ओपनली तो वो कह रहा है कि भाई कार्ड ले, उसका तो इंडिया का मैप डाले वगैरह ये सब, मतलब एक वो होगा ना कि नहीं पर मेरा तो इंटेंशन था ही नहीं, आई नेवर थॉट अबाउट दिस, हां भाई ही वोंट कॉल आउट ओपनली, व्हिच कुड बी ट्रू, ही वोंट कॉल आउट ओपनली, पर व्हिच कुड बी ट्रू, लाइक अगेन वी कांट, समझ ले, वी कांट ब्रांड हिम, वो बकचोदी, वी कांट कि वो होगा, वो जो खालिस जो भी, लाइक इट डजंट मैटर, बट पर अल्टीमेटली मतलब मुझे प्रेसिडेंट बनना, मुझे वो बकचोदी करनी है, ठीक है, फिर तुम एडिडास से कॉन्ट्रैक्ट खाओगे, सिंपल, तो बकचोदी है भाई, राजीव चौक वहां पे उसका प्रॉपर लगा हुआ पोस्टर, इतना बड़ा शुभ का, आई थिंक वो भी हटा दिया, लाइक हटा दिया गया, लाइक दैट गाय वाज लिटरली किलिंग इट भाई, और अब भी किल करेगा भाई, इट्स प्रॉपर, अब तो आई थिंक इट्स प्रॉपर कैंसिलेशन, I don't know. देख, I think अभी भी बहुत वो है, divided है, समझ रहे हैं? अभी भी लोग इतना buy नहीं कर रहे हैं, क्योंकि the music smacks, समझ रहे? The music smacks. तो ultimately, I don't know भाई. I think भाई अगर तुम एक artist हो, या फिर अगर let's say कि हम football पंड, जैसे कि हम भी यही कर रहे हैं, ठीक है? एक बार imagine कर, हम football की बकचोदी कर रहे थे, और अब हम खालिस्तानी बातें कर रहे हैं, पता नहीं जो भी. What gives us the right to do this? समझ रहे? हम क्यों अपने गांड बनवा रहे हैं? But ultimately भाई, I'd say we're trying, you know, we're trying different avenues. Is he trying different avenues? Exactly. Maybe he is. But guess who? Guess who's not doing India tour? Guess who's not? Guess who's sitting in India right now? Guess who's in India right now? Guess who's? But khair bhai, I would say haan. I think ye काफी interesting था. भाई वो है, but मैं कहूँगा somebody's loss is other person's gain. वो फिर बाद में शायद अब देखियो ऐसा artist आएंगे जो बोलेंगे वो भाई मैं अच्छा वो आया भी था शायद एक बंदा बोल रहा था मेरा एक गाना था पता नहीं तुझे पता होगा artist नाम भूल गया उसका पंजाबी artist वगैरह का मेरे गाने का नाम था टोरंटो पर अब मैं वो गाना रिलीज नहीं कर रहा आफ्टर ऑल ऑफ पूरा एवरीथिंग जो ये पूरा प्ले आउट हुआ टोरंटो गाना वो नहीं कर रहा रिलीज ना भाई ना आई डोंट नो डस एनीबॉडी केयर कि तेरे गाने का नाम टोरंटो है और वो फिर कनाडा और फिर नोबडी केयर पता है एक और चीज मैंने नोटिस करी भाई मैंने एक चीज नोटिस करी आई थिंक जो होता है लाइक स्पेशली म्यूजिशियंस ठीक है लाइक लेट्स से या फिर कोई भी आई डोंट नो लाइक कोई भी पॉपुलर फिगर ठीक है
जो वेस्टर्न कल्चर है ना वो तो इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है ही. लाइक एवरीबडी लुक्स एट लाइक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर कोई फ्री हो वॉच एक बार पॉडकास्ट ऑफ कान्ये वेस्ट. तो मैंने बोला था ना एक बार देखने को, तो आई थिंक तुमने देखा नहीं होगा, तुमने देखा नहीं होगा, मैं तू होमवर्क तो करता नहीं, बट खैर कोई बात नहीं. मतलब उसका एक पॉडकास्ट है बेसिकली कान्ये वेस्ट का, ड्रिंक चैंप्स एक पॉडकास्ट है, उस पर उसका पॉडकास्ट, ठीक है. कान्ये वेस्ट इज मेरे ख्याल से द बेस्ट रैपर, मतलब मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, जेन्युइन, ठीक है, वन ऑफ द गोट्स, ठीक है, लाइक वन ऑफ द गोट्स. अगर अगर मैं गोट पूछेगा, लाइक आई विल से फॉरेन में रैपर फॉर मी द गोट इज केंड्रिक, केंड्रिक लमार इज द गोट मेरे ख्याल से, बट कान्ये टॉप थ्री टॉप फाइव में केंड्रिक लमार गोट. बिल्कुल भाई, कम ऑन, इज गोट, बट क्या उसमें माय वो अलग डिस्कशन है. एमिनम नहीं है तेरा गोट? इजंट एमिनम द तेरा है, इज द रैप गॉड. मेरा ऐसा, मैं ऐसे पर एमिनम बेसिकली एमिनम एक एक इंट्रोडक्शन है टू इंडियन व्यूअर्स रैप के बारे में, तो काफी लोग उसको मानते कि भाई हाँ वो गोट है, कि वो बेसिकली पहला बंदा था फास्ट रैप करता है. जेकोल पसंद है, जेकोल, जेकोल, जेकोल तगड़ा ऑब्वियसली, लाइक अगेन पंकी, पंकी, ठीक है, होल्ड ऑन, यू नो वी डोंट वांट टू डू द टॉप 5, कि तुम्हारे टॉप 5 कौन है, समझ रहे, वो थोड़ा डिबेटेबल हो जाता है. बट कान्ये वेस्ट फॉर एग्जांपल, वो आर्टिस्ट है बहुत तगड़ा, लाइक समझ रहे, ही इज वन ग्रैमीज, ही इज पिस्ड ऑन ग्रैमीज, ही इज डन इट. वो बहुत ही पोलराइजिंग बेसिकली फिगर है, ठीक है. इफ यू वॉच दिस पॉडकास्ट, वो भयंकर पब्लिकली कुछ ही बोल देगा, समझ रहे, कुछ भी, ड्रेक मेरी बीवी के साथ ये कर रहा है, कुछ भी बोल देगा, इट डजंट, कोई भी लेयर्स नहीं, देयर आर नो लेयर्स, कंप्लीटली अनहिंज्ड, कुछ भी बोल देगा, लाइक एनी सेकंड. तभी तो इतना कैंसल्ड है, कैंसल्ड है, पर लेकिन लव्ड भी है, क्योंकि वो बहुत, समझ रहे, लाइक उसने डिवाइड कर दिया, बहुत तगड़ी ऑडियंस, बहुत रियल है. हां, मतलब वो बोलता है कि पीपल विल नो जो मैं बोलता था आफ्टर 10 इयर्स, लाइक वो सब बकचोदी, मतलब ही स्पीक्स द फ्यूचर, ऐसे कुछ बकचोदी, ठीक है, जो भी है, जो अगेन व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है. Again, मेरी उस पे ओपिनियन, मैं उसके इतने उसको इतना बाय नहीं करता जो उसकी ओपिनियन है, अपार्ट फ्रॉम हिज आर्टिस्ट्री, बट स्टिल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर तू उसको देखेगा पॉडकास्ट, बहुत पोलराइजिंग, बहुत गुदे वाला, बहुत कुछ ही बोल देगा भैंचोद, जो वो ना लाइक जो न्यू कमिंग अपकमिंग लेट से जो वेस्टर्न इन लाइक आर्टिस्ट नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल शुभ, लाइक वो भी वैसे वेस्टर्न हिट, बट वो इंडियन गाने गा रहा है, जो भी है, या फिर जो भी है, कोई भी आर्टिस्ट, या फिर एनीबडी, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड, दे डू भाई, आई बिलीव, या फिर कोई फ्रॉम एनीबडी जो इतना वो भैंचोद वोकल है अपार्ट फ्रॉम उसका नीश, एंड देन दे ट्राई टू कि भाई मेरे पे पावर है, मेरे पे ऑडियंस है, मुझे बात करनी इसके बारे में, मां के चूत, एंड आई बिलीव भाई, आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो. अब बताए द रियलिटी इज कि मे बी अगर तुम्हारे पास लाइक फॉर एग्जांपल कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, अगर तुमको बोलना तुम बोलोगे भाई व्हाई नॉट, फक द ऑडियंस, बट अल्टीमेटली वही आई थिंक, मतलब मैं इसके अगेंस्ट हूं कि शुभ ने वो बोला, लाइक अगर उसकी कोई ओपिनियन है, लेट्स से उसकी कोई ओपिनियन है, व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है, अगर वो बोल रहा है उसकी ओपिनियन भैंचो, हाँ उसको रेपरकशन सहने पड़ेंगे ऑब्वियसली, कि भाई उसकी टूर कैंसिल होंगे भैंचो, बट उसके अगर तेरे पास तूने एक चीज बिल्ड करी है थ्रू फुटबॉल, ठीक है, हम फुटबॉल यूट्यूबर जो भी, ठीक है, पर कुछ बहुत ब्लेटेंटली बुरा हो रहा है तेरे सामने, अपनी ओपिनियन वॉइस कर दिया, कहीं फर्क पड़ रहा है, लाइक प्रॉब्लम नहीं ना कुछ भैंचो. अगर तू बोला कि भाई पर मेरा नीश नहीं है, मैंने कर दिया तो वो कैंसिल कर देंगे, वो समझ रहे, स्टिक टू फुटबॉल, स्टिक टू म्यूजिक, वो बच्चों बोलना आसान है, मतलब पता है वो ये कि है जो बेसिकली वो ना जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, जो कान्ये वेस्ट पोलैरिटी, कुछ भी बोलो, इसके थोड़े डबल, इसके थोड़े रिपरकशंस लोग समझ नहीं, भाई टूर्स कैंसिल हो जाते हैं भाई, तो वुड यू स्पीक, डू यू स्पीक, दैट्स द बकचोदी. आई वुडंट, यू वुडंट, सेम है, कम ऑन, पर लोग फिर पीपल से कि पुसी हो, यू आर पुसी हो, कितने में दम नहीं है तू, बहुत वो है, लाइक अपना काम से काम, वो लाइक जैसे हिस्ट्री ऑफ द विक्टर्स, जो जीतता है उसकी हिस्ट्री और ये वगैरह, और ऑल ऑफ दिस इज बहुत टाइम, बहुत फ्रिवलस, वो एक बंदे की लाइफ में इट्स अ बिग थिंग, कि तुम्हारा करियर या तुम्हारी लाइफ पूरी उस पर वो सकते हैं, रुइन हो सकते हैं या बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन कैसे, हाउ इट गेट्स टेकन, बट इट्स नॉट वर्थ. अगर तुम सोचो कि इट्स गोइंग टू लीव सच अ बिट, सम मीटियर कम्स, यार तुम रिलेशन इज वाइप्ड आउट, तो नाइलिस्टिक हो गए ना बात, इट्स नॉट भाई, मैं देख देख अगेन, यू हैव टू बी सिलेक्टिव कि तुम किस जगह पे कैसे कैसा एम लेके चलते हो, और अगर इफ यू आर गोइंग इनटू कंटेंट क्रिएशन और तुम इस जगह आ रहे हो भाई, तुम्हारा इतना ब्लूप्रिंट है, और भाई स्पेशली आज की जैसी दुनिया है, आज के जैसे लोग हैं, विद हाउ मच दे टेक शिट
सो पर्सनली भाई लोगों की जो भाई लोग एक बंदे ने वियर्ड शिट लाइक उस बंदे ने ट्वीट करा ऑन डाइवर्सिटी हायरिंग ठीक है ओके ओके उसकी कंपनी पे जाके मेल डाल दिया किसको निकालो तो भाई पीपल विल भाई इट्स नॉट वर्थ हैविंग ऐसे इतना इतना लाइक इतना स्टर लाइक पॉड को स्टर करने वाला कोई डिजिटल ब्लूप्रिंट पता मेरे ख्याल से सीन क्या है फॉर एग्जांपल टूपाक शकूर यू नो हिम ठीक है रैपर है बहुत बड़ा ठीक है रैपर था 25 की उम्र मर गया 25 की उम्र में एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ बीइंग कानी बिकॉज ऑफ बीइंग बहुत वो वोकल उसकी गैंग वॉर वगैरह में exactly. गैंग शिट नहीं नॉट सिंग उसकी वजह से मरा एग्जैक्टली मतलब वो तो काफी ब्लैक राइट के लिए फाइट कर जो भी उसने करा बेसिकली बट उस जगह इन्वॉल्व हो गया और वो समझ मतलब उसके रैप बेसिकली उसका पुलिस ब्रुटैलिटी में चला गया था वो पता कल्चरल बकचोदी की अमेरिका कैसे ट्रीट वो जो भी है उसका जो भी था उसने पर अगर तो देखना जो भी ब्लैक कम्युनिटी है जो भी अमेरिका में जो भी है वो बहुत उसको ट्रांसेंडिंग मानती है कि टूपक ने हमारे लिए लड़ाया लाइक ही डिड अच्छा लाइक उसको बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखते हैं कि भाई व्हाट ही डिड लाइक इवन मोहम्मद अली ठीक है उसने बहुत चीजें बहुत वोकल था ऑब्वियसली भाई उसने कितना कुछ बोला यंग ब्लैक में लाइक काफी चीजें बोली हैं तो मेरा पॉइंट क्या है कि अगेन देयर्स टू वेज अबाउट इट तो बहुत नेगेटिव इसको ले जा सकता है बट फॉर एग्जांपल सिद्धू मूसेवाला जो भी ऐसे बंदे जो बहुत वोकल है अब रिगार्डिंग देयर कम्युनिटी फॉर कुछ भी दे माइट वो ये क्या हो गया बहन चुप वो ये क्या हुआ तेरा कैमरा उड़ गया शहीद भगत सिंह ठीक है आइडिया बोलता है कि भगत सिंह पता है बहुत विरोशियस रीडर थे ही वाज अ वेरी गुड रीडर लाइक ही वाज 21-20 एंड ही वाज रीडिंग अ लॉट लाइक एक वो था कौन सी एक वॉर चलती वहां पे एक रशियन वॉर थी मुझे लाइक ही वाज रीडिंग अ लॉट अबाउट वॉर्स काफी समझ लाइक ही वाज वेरी वेल रेड काफी वो एजुकेटेड काफी वो वांटेड टू रीड वांटेड टू नो मोर काफी इन्फॉर्मेशन हंग्री थे और जब इंडिया में वो सब हरकतें हो रही थी उस टाइम पे ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस की जो भी बकचोदी हो रही थी अंग्रेज जो भी है तो उन्होंने बेसिकली प्रॉपर कॉन्शियस एफर्ट करा कि भाई मैं लड़ूंगा ये मुझे गलत लगता है ही कुड हैव जस्ट स्टिक टू बीइंग ठीक है लाइक समझ लाइक जो तू टेक्निकली कह रहा है कि भाई ही कुड हैव स्टिक टू इट कि भाई ठीक है हु केयर्स बट अल्टीमेटली ही वेंट कोर्ट में बॉम्ब फोड़ा Did a lot of और पता है if you पता है एक और चीज है अगर तू उस टाइम पे अलाइव होता मैंने काफी स्टोरी सुनी है तो a lot of people looked भगत सिंह in a negative light कि क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं समझ रहे लेकिन उस टाइम पे जो perception था it was not good जितना अब है कि भाई शहीद भगत सिंह अब तो समझ रहे like which is like obviously बहुत justified अगेन बहुत ही गलत example है सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं था वो तो exactly he was going out there fight like भाई सुभाष चंद्र बोस को तो जितनी अगेन जितनी glorification महात्मा गांधी को और नेहरू जी को मिली उनको नहीं मिली इन लोगों को नहीं उनको नहीं मिली वो तो ट्रू बट अगेन ये बहुत ही वियर्ड है अगेन ये शुभ और इट्स नॉट अबाउट शुभ और भगत सिंह इट्स नॉट अबाउट दिस बट मैं कह रहा हूं कि जो पर पता है वो ये वाली चीज है जो ऐसी पर्सनालिटीज होती है ना भगत सिंह लाइक ट्रू लाइक जैसे कहते हैं नहीं भाई क्षत्रिय ब्लड लाइक बंदूक लाइक इट्स खून में समझ सम पीपल आर बोर्न तू क्या कहना चाह रहा है कास्टिस बनना चाह रहा तू बेंच यहां पे कास्टिज्म नहीं पर मतलब इन अ वे लाइक इट्स लाइक गॉड हैज given them ek kuch log hote hain bas yes rani vote hua there was going to be any other subhash chandra bose they are like there wasn't going to be any other bhagat singh ye to true hai bhai like tune kaha jaise ki most of the people are spineless ha most of the including us so like samajh rahe hum bhai technically this is the best advice bhai ki matlab hum we are not like ki bhai wo like sorry like har kisi ko apna career ghar pasand hai ki bhai main kyun hi karu sorry like kyun risk lu kyun publicly bolu but mera point hai ki jo publicly bolte hai na either they get absolutely cucked or they become heroes in after 10-20 years of their life meko aisa tha like ye bakchodi like they have more like impact on life than spineless blokes like pata main like mera perspective kya chal raha hai aaj ke life ka recently main kafi like dhoond raha hu maine kal suna ek podcast
अगेन अंकित बयानपुरिया का, ठीक है, लाइक अगेन हम उसकी बात कर चुके लास्ट पॉडकास्ट, बट एंड मैंने लाइक ही हैज डन एवरीथिंग नाउ, लाइक उसने इतनी मेहनत करी है, जो जोमैटो की तेरे को पता हम बात कर चुके हैं, उसने अपना काम कर रखा है. उससे पूछा पॉडकास्ट में कि अब तेरे को कैसे लग रहा है, लाइक तू इतना तेरे को प्रॉपर भैन मुंबई बुला रहा है, तेरे को प्रॉपर अब तो एवरीबॉडी विल वांट टू मेक मूवीज अबाउट हिम, समझ रहे, लाइक नेटफ्लिक्स अमेज़न विल अप्रोच, लाइक उसकी पूरी लाइफ विल टर्न अराउंड, नीरज चोपड़ा चोपड़ा इफेक्ट विल हैपन. वो रोंडा बोलता है, और अगेन मुझे पक्का पता वो फेक नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि आई डोंट केयर, मैं स्थिर हूं, मैं काम हूं, लाइक मुझे लाइक नम. वो कह रहा है रणवीर अलाहाबादी पॉडकास्ट कर रहा था, ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछा उससे कि भाई तो वो आगे का प्लान क्या है, अंकित भैयापुरी रणवीर अलाहाबादी शो पे गया, हाँ हाँ वही वही टीआरएस जो तमीज जो तमी से बोल रहा है, जो भी करता हो जो भी करता हो रणवीर अलाहाबादी द कम ऑन भाई द प्रोग्रेशन हैज हैपेंड राइट अब इतनी तरक्की कर ली, अब आगे का प्लान क्या. अंकित बोलता है कि तरक्की नंबर से नहीं होती सिर्फ, विच इज पता लाइक विच इज बहुत ही मतलब मैंने कभी किसी को बोलते सुना नहीं पब्लिकली तुमको इतना सक्सेस मिल जाए, इतने लोगों को सक्सेस मिला इतनी जल्दी, काफी जब और पहली बार इसका जल्दी भी नहीं, ये 10 साल से कर रहा है बेसिकली फिटनेस या फिर जो भी, ठीक है, इज डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो आइसबर्ग वही हो गया हम जो उसको देख रहे हैं अभी, कि हम बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी फेमस हो गया, बस 75 हार्ड करा और फेमस हो गया जो भी है. बट पता है मैंने उससे सीखा क्या, वो बोलता है कि मैंने गीता पढ़ी जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं, ठीक है, आई हैव नॉट रेड गीता, जो मुझे पढ़नी है बिल्कुल पढ़नी. उसने गीता पढ़ी और मुझे उसको देख के लगता है, उसको देख के लगता है कि भाई वो अब काम है, बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, हम लाइक इन जनरल जो हम लाइफ जी रहे हैं इट्स मोस्टली अबाउट चेजिंग, लाइक हम चेज कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बी कि हमको ये नंबर अचीव करने हैं, वो सैलरी अचीव करनी है, उससे प्लीज करना है, वो प्लीज करना है. बट भाई मेरे को लगता है अब जो मेरा मेन एम जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मेरा कलेक्टिव एम है, लाइक एवरीबॉडी अल्टीमेटली वांट्स टू बी द शिट, समझ रहे, दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल, दे वांट टू सेल आउट शोज, दे वांट टू लाइक समझ रहे, वो सब चीजें ट्रू है, बाय देयर फैमिली हाउस ऑब्वियसली, विच इज अ गुड एम टू हैव ऑब्वियसली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, होना चाहिए तुम्हारा मिशन. बट आई बिलीव भाई मेरा लाइक आई बिलीव अल्टीमेट एम शुड बी टू हैव पीस. Though it is very woe, you may not buy your family a house. Like shit may not happen, jitna tumko pasand hai. But you do your karma, samajh rahe? Tum apne karma karo, achhe insaan raho. I think ultimately, pata hai, like this sounds very woe. This sounds very, ye mera ideology, jo main abhi aajkal adapt kar raha hu. Apna kaam karo, samajh rahe? Be good, read good, eat good. Obviously, basic cheez hai, theek hai, basic cheez hai. Don't be like. Don't be extra complex, don't be like ki wanting shit, itna zyada. Though a lot of people might disagree ki bhai nahi, Kobe Bryant says different, Kobe Bryant Mamba mentality, usko bilkul competitive raho, be opportunistic, be like nobody cares life mein, life is dark, dusra grab aage badho, jo bhi, like jo bhi. Not grab, but like grab that opportunity, which is true. But for me, peace is paramount, bhai. You can't, ultimately destiny is there. You can't negotiate it. उसकी दिनचर्या में क्यों ऐसा, व्हाई नॉट समबडी, भाई बहुत लोग डाल रहे अपनी दिनचर्या का, डे इन अ लाइफ ऑफ इंजीनियर एट गूगल, डे इन अ लाइफ ऑफ, बट हिज एक बार सक्सेस हुई और शायद इसको पीस हो गया, बट इट्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि वो पहलवानी कर रहे हैं शायद पता नहीं 12-13 साल से, 12-13 साल का था तब से अखाड़े से जुड़ा हुआ है, अखाड़ा अखाड़े के होते नियम, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट जस्ट की जिम की तरह, यू गो इन देयर लिफ्ट वेट्स डू सम जो भी करना और आ गए मेकरी ला गए, ना भाई ना, देयर आर रूल्स रेगुलेशंस, एक एक फिलॉसफी जुड़ी है अखाड़े से,
वो तुम्हारा नाम हटा दिया तो उसने बताया उसका जो नाम है इंडिया में लेजेंडरी है इनकी हिस्ट्री में एग्जैक्टली हां जो उसका बैयापुरिया नाम है ये उसका सरनेम नहीं है अखाड़े का नाम अखाड़े का नाम तो अखाड़े का नाम उसका सरनेम है तो दिस कम्स इनटू प्रैक्टिस वो भाई वो सब ब्रह्मचारी होते हैं सब रोज सुबह उठना एक एक ये करना इट्स लाइक वो कहते हैं साधु क्या करते थे साधु गए और दे वुड मेडिटेट दे वुड योगा कर ये सब इट केम इनटू मेरे ख्याल से लाइक मुझे लगता है इट इज वही तो प्रॉब्लम कि हम जो है ना हमारे अंदर नहीं है भाई हम कितने ट्राई करना हमारे नहीं we have we done this have we chased peace agar agar aapko bhi let me have a piece of abhi hame journey start karni of peace ki nothing affects me no failure no major success no comparison no numbers no nothing affects me not saying ki it doesn't make me feel anything ki like for example kuch bura ho raha hai mere sath aur main kuch affect nahi karta mujhe farak padta nahi main to bilkul brahmachari hu ye nahi but like nothing meri urges control hai samajh rahe like bilkul I'm in control of myself properly. No major high key of influence affects me. Like, ये achieve करना is like पता ये achieve only through hard work. Like, it's impossible to achieve it any other way. You have to fuck yourself. Like, तुमको I think मुझे ऐसा लगता है भाई you just give yourself to एक routine and तुम उसमें इतना खो जाओ no matter वो काम क्योंकि again भाई you follow a routine it doesn't work it works जो भी है and we get affected हम change कर देते हैं कि भाई it doesn't work like मजा नहीं आ रहा जो भी है ठीक है we change. वो लड़का बहन चोट 75 लाइक आई एम फॉरगेट हिम जो भी बंदा लाइक इतना डीपली रूटीन फॉलो ही इज अ रूटीन गाय इफ यू वॉच हिम राइट वो मुंबई जा रहा है वो तब भी अपने वीडियो बना रहा है रील्स की वो अभी भी वर्कआउट कर रहा है दो बारी वो भी लाइक पढ़ रहा है वो इतना इंडेटेड है उसके रूटीन उसकी लाइफ में कि भाई उसको अफेक्ट नहीं करती कुछ चीज बहन चोट उसकी लाइफ स्टाइल ही वो है अब पता सीन क्या है अंकित माइट लुक की भाई मतलब मेरे गाँव का एक और वो है फाइटर भी ऐसी है वो पर वो ना इतना आगे बढ़ गया फिर लाइक जो भी वो बहुत मॉडर्न चला गया जो भी कर रहे उसने ठीक है इफ आई कंपेयर एंड ही माइट फील कि भाई ये तो काफी स्मार्ट है मैं क्यों नहीं कर रहा है मैं क्यों बंचू फालतू में कर रहा हूं लाइक व्हाई एम नॉट मैक्सिमाइजिंग इट एवर जो भी लाइक लोग सोचते हैं नॉर्मल लोग मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा क्या एग्जैक्टली कि यार मैं भी सेम मेहनत कर रहा हूं मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा आई डोंट नो भाई लाइक चौंकी लाइक आई ये बहुत ही चूतिया डिस्कशन है क्योंकि भाई वी वोंट फॉलो इट क्योंकि हमारी लाइफ में डजंट हम इंडेटेड नहीं हमारे भाई देना पता है क्या और रूटीन इज ये भी तो नहीं कि फालतू सर फुद्दू रूटीन घसी रूटीन है तेरा घटिया एकदम ये करा कुछ कराया थोड़ा सा ना फिर थोड़ा देर को तू वही रोज वही कर रहा है लिटरली वही बट रूटीन ही पे कर रहा है तो मोंड रूटीन क्या व्हाट इज योर रूटीन योर जेन्युइन रूटीन मेरा आई वेक अप आई डू डेली जो एमिनिटीज आर शिट कितने बजे I wake up. Do you have a routine? Main question. Do you have a routine? Ki look, you consistently do something. I like say मेरा एक partial routine. Partial routine. Okay. चल partial. Like what? You don't have a routine. Like ठीक है. नहीं है. ऐसे कुछ चीजों को लेके. Like एक time period आता है जब वो it like takes shape. कि अच्छा अब routine है. वरना नहीं होता. जैसे सुबह थोड़ा सुबह उठते ही late है. 10 बजे उठता हूँ. 10 बजे उठ के काम हम क्या 11 बजे खाना वाना खाया 11:30 ठीक है काम मतलब क्या लेके 10 मिनट के कर कौन सा काम अबे तू तैयार होना सुबह उठा थोड़ी सी ठीक है वो बोल ना हां ठीक है अच्छा ठीक है अबे वो बताऊं थोड़ी पुप्पी कर रहा हूं भाई टॉयलेट में बैठ भाई ऐसा नहीं भाई रुक जा तू सुबह उठ के स्ट्रेच कर रहा है दैट्स लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दिस तुझे पता है भाई मैंने इसलिए करना शुरू करा आई हैव हर्ड कि तू पता है एक वो होता है मायोस्टेटिन होता है इट्स अ हार्मोन दैट लिमिट्स योर मसल ग्रोथ ठीक है और स्ट्रेचिंग से बढ़ता है ट्रू मतलब इट हेल्प्स स्ट्रेचिंग से वो 44 स्ट्रेचिंग है कोई भी वर्कआउट या हाँ. जैसे कई बार मैं 100 पुशअप मार लेता हूं लाइक बस इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम तो 100 पुशअप मार लिए और उससे क्या क्या कहते हैं कि 44% 20-20 के 5 सेट ठीक है पर उससे ये होता है कि 44% डिक्रीज इन मायोस्टेटिन होता है तो और फॉर 8 आवर्स होता है आफ्टर अ वर्कआउट तो इट्स अ वेरी लाइक गुड स्ट्रेटजी अगर तुम्हें मसल बिल्डिंग थोड़ा वर्कआउट अगर तुम कमाल में क्रेजी है मैं थोड़ा फ्रीक हो गया हूं रिसेंटली मेरे को थोड़ा ऐसा गंदा सा ज्यादा करने की वजह से हां कि थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूं बहुत लाइक बहुत मेहनत कर रहा हूं व्हिच इज ऑब्वियसली गुड भाई ट्रू मैं भी वो कर लेता हूं फिर मैं 12 बजे के आसपास दर्शन लाइक अब काम वगैरह शुरू करो लाइक दर्शन भी अब शुरू करो अब वो भी पूरा प्रोक्रेस्टिनेशन फालतू वेस्ट करके टाइम ठीक है मैं थोड़ा वो भी करता हूं भगवान वगैरह से रिलेटेड काम होते हैं मेरे तो
ठीक है, सब जो होता है वो करता हूँ, फिर थोड़ी पढ़ाई, बैठता हूँ पढ़ता हूँ, आई थिंक तीन बजे तक आई ट्राई टू सिट जितना हो सकता है उतना, एटलीस्ट टू माई बेस्ट कैपेसिटी। अब मैं ये नहीं कह रहा मैं वो टाइप का बंदा हूँ कि 12 से 3 एकदम zipped focus, I have tried this once or twice, जब मैं like कुछ भी करके, but थोड़ा उतना भी है नहीं, उतना उतनी capacity अभी build नहीं है। ठीक है, 3 बजे I take a nap, मैं फिर rest करता हूँ और फिर उठता हूँ, शाम हो जाती है 4 बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, फिर कुछ खाया है छोटा मोटा, then I go out, workout करता हूँ, घर आता हूँ, खाना वाना, पढ़ाई, आजकल पढ़ रहा हूँ और वीडियोस बना लेता हूँ कभी कभार 3 बजे के बाद, कभी कभार मैं वीडियोस जब वीडियो शूट करता हूँ, दैट्स व्हाट आई डू। फिर स्ट्रीम वगैरह, रात का तो काफी बिजी होता है, रात इज लाइक प्रॉपर बिजी, ठीक है, मैच देख रहे हैं, कुछ स्ट्रीम कर रहे हैं, कोई अब एग्जैक्टली 1 बजे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, एग्जैक्टली हैपेंस। पर मैं कह रहा हूँ कि जब तू अपना दिनचर्या पूरी करता है, आर यू सैटिस्फाइड? Literally, I started this before this pod, जब हम literally stream ad पे जब तू आया, तो मैं इसलिए happy नहीं हूँ कि मैं जो करना चाहता हूँ अपने routine wise, like जो मैं जितना the amount of production I want out of this, वो आ ही नहीं रहा literally। पर अब देखते हैं भाई, again it's like भाई it's कई बार ना मैंने ये देखा है, you have to wait on the dice roll, कई बार ना you have to wait on the 6। Okay, the moment. कई बार तुम try कर रहे होता, आ नहीं रहा होता, हाँ exactly, but there will be that day जब when 6 rolls, then you'll hit 5 sixes in a row. मैं तुम्हें example देता हूँ, ठीक है? जब तेरा world cup, तू ना मैंने एक match, तो कभी-कभी ऐसा होता कि मैं जो stream करने पर था ना, जब मैं stream करता था basically, तो मैं live like watch along type कर रहा हूँ, तो मैंने कहा यार मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, like for example Brazil versus Croatia का match है, मेरा मन नहीं कर रहा, like genuinely I remember sitting इस chair पे, और मेरा उस टाइम पे रूटीन ये था लाइक वर्ल्ड कप, लाइक समझ लाइक कि डू मैचेस वो सब, बकरी मैं क्रॉस पे लगा हमारा उस पॉडकास्ट को लेके मन नहीं कर रहा। किस पॉडकास्ट को लेके? उस पॉडकास्ट कौन सा था जो वो था अलग बात है, शूट पर मैं कह रहा हूं कि लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरा रूटीन था कि ठीक है, लेट्स से मेरा रूटीन है कि मुझे एक्स काम करना है, जो मेरा एक्स काम था कि मुझे ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया का वॉच लॉन्ग करना है, बहुत ही बोरिंग बट ठीक है, मेरा मन नहीं था, और मेरा पता स्ट्रीम, पता मैं क्या करता, मैंने स्ट्रीम शेड्यूल करी, मैं डिलीट कर दी, थका पड़ा हूँ, पानी पिया नहीं, मैं जो खाना ना खाना है देख लूंगा यार, वो वैसे मैच एंजॉय कर देख लूंगा, थोड़ा ऐसा होगा जेन्युइनली, ठीक है? तो तूने बोला कि वेट ऑन द डाइस, तो आई वाज लाइक ठीक है, मैंने कर दी कॉस्ट्यूम, लाइक लेट मी वेट ऑन द मोमेंट, ठीक है, लेट मी लाइक समझ रहे वो से बचू दी, बट आई डिड इट, एंड जब स्ट्रीम खत्म हुई ना, आई फेल्ट वेरी गुड। तो पता मैंने सीखा कर रिसेंटली, अग्री हर किसी के मोमेंट होते हैं, यू कांट फोर्स इतना, लाइक ये ट्रू है, यू कांट बी लाइक कि भाई हो ही नहीं रहा, तुम खुद डिप्रेस हो, कुछ फायदा नहीं, एग्जैक्टली अगर कुछ जेन्युइनली नहीं हो रहा, तुम्हारा है नहीं वो भी, लाइक तो ठीक है, लेट वेट ऑन इट, कम बैक अगेन, वो लाइक ठीक है, बट भाई मैंने नोटिस करा भाई, फॉर एग्जाम्पल जेन्युइनली इफ यू जस्ट फोर्स इट कभी कभी, और तुम उस मेंटल स्टेट में आ जाओ भैंचोद, क्योंकि पता है मैं मैक नहीं कर रहा, तो मैंने एग्जाम्पल बताया था, मैं बहुत क्रेजी है, ठीक है, बहुत क्रेजी एग्जाम्पल है, परसों की बात है, परसों मतलब काफी टाइम हो गया इस बात को, पर वैसे एक परसों भी होता, ठीक है, मैं अपने कमरे से किचन से बाहर आया, कमरे में आया, पानी पीने के लिए बोतल उठाई, दिमाग में क्या था कि बोतल भरी होगी तो पानी पी लूंगा, दिमाग में ही था बेसिकली, बोतल उठाई और एक ब्रेन को शॉक लगा क्योंकि बोतल खाली थी, सुनते रहे हुआ क्या बेसिकली हुआ क्या कि सुनते रहे कि मैं आया, ठीक है, मैंने कहा ठीक है पानी सुनता रहे खोलो ऑन मैं आया, मैंने कहा हाँ बोतल भरी होगी, बोतल उठाई तो वेट समझ, बोतल उठाई तो वेट नहीं था बोतल में, सॉरी जितना मैंने एक्सपेक्ट करता ब्रेन पे, मतलब मेरा ब्रेन इतना स्ट्रांग है, हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि मैंने एक्सपेक्ट कर लिया तो बोतल भरी होगी, उठाया और नहीं थी, तो खाली एक शॉक लगा, हल्का सा बॉडी को फील हो कि आई फेल्ट इट, मेरे परसेप्शन ने वो क्रिएट करा। पंकी कभी कभी क्या होता है कि हम जब क्रिएट लाइक रूटीन बनाते हैं ना, कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जांपल पहली बात तो आई बिलीव द बेस्ट वे टू क्रिएट एनी रूटीन, अगर तुम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, इज टू ऑलवेज एम लो, ऑलवेज एम लो, डू फाइव पुशअप्स अगेन, मैं अभी लाइक रूटीन में आया हूं रिसेंट, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर, क्योंकि मेरा मैं बोलूंगा भाई मैं दिन के लाइक आई से बहुत ही वियर्ड शिट, तो बोले कि भाई तो मैं 10 मिनट कर देता हूँ, क्या बड़ी बात है तू ये कर रहा है, पर मेरा रूटीन है, इट्स माय रूटीन, आई एम एमिंग लो,
क्योंकि फर्स्टली मैं चाहता हूँ उसकी हैबिट में हूँ, आई वेलकम इट, आई डोंट वांट इट टू बी स्पूकी कि भाई सौ पुशअप मारने भेंचो दिन में यार फक यार करने पड़ेंगे वो, पहले दिन ही पिट गया। लोग ये करते कि भेंचो रूटीन बनाए वो करा वो ठीक है ये, अच्छा इस दिन ये चैप्टर, इस दिन वो चैप्टर, इस दिन वो, अच्छा नहीं हुआ मच। आई वुड से ऐसा रूटीन बनाओ कि तुम डिसअपॉइंट ना हो, एम लो, अगर तेरा लेवल ये है तो डिसअपॉइंट ना हो, ठीक है। पहली चीज मेक इट वेलकम, मेक इट वेलकम, डोंट मेक इट स्पूकी कि फक भाई फक करना है, मेक इट लाइक ठीक है ये तो मैं कर लूंगा, आई कैन डू दिस, यस आई कैन, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई कांट रन, इफ आई कांट डू एनीथिंग, आई कैन गो फॉर अ वॉक। पता प्रॉब्लम क्या होती है, पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लोग फिर कंपेयर करते हैं कि मानसू यार पर यार मैं वॉक में वो तो भाग रहा है, वो तो बहन कारण भाग रहा है, मैं वॉक में अटका पड़ा हूं, पर भाई दैट्स द प्रोसेस, दैट्स वेयर यू नीड पीस इन लाइफ, कि तुम अपने आप से इतना वो कि भाई इट इज माय जर्नी, इट टेक्स टाइम, आई विल गेट देयर, लाइक और यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू बिलीव इट भाई, अगेन भाई, पर मतलब वो है ना भाई, अल्टीमेटली देयर इज समबडी जो कोई माइक्रोचिप लगा के काम कर रहा है बेंचो, तो बोल रही भाई मैं कहीं मेहनत कर रहा हूं, हम भाई है भाई, यही लगता है कि मैं यहां हूं, कोई बंदा वहां है, मैं बोलना चाह रहा हूं कि इट्स ऑल इन द ब्रेन, इट्स क्रेजी कि हाउ, इट्स क्रेजी कि हाउ यू कैन, जो भी देख रहा पॉडकास्ट जेन्युइनली, लाइक इवन मैं और तू, वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ इफ वी बिलीव इट, वी कैन लाइक सॉरी वी कैन इजीली डू इट, वी कैन ट्रांसफॉर्म, तू जैसा चाहता है ना तू वैसा बन सकता है, फिजिकली मेंटली तू जैसा चाहता है वैसा बन सकता है, वी कैन डू इट जेन्युइनली। पर भैंचो एम ही इतना हाई, लाइक एम ही अजीब सा कर रखा है, कंपैरिजन इतनी है, दिमाग को पहले बता रखा कि भाई नहीं नहीं यार भाई नहीं भाई, दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है, इफ आई लाइक जेन्युइनली बिलीव कि अभी मैं बैठ के 20 कर सकता हूँ, आई विल पुश टू 19 जेन्युइनली, आई विल जेन्युइनली, दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है, इट्स क्रेजी, आई कैन लाइक, तू तो जिम करता है, मैं नहीं करता इस टाइम पे, तू करता है, यू कैन फील इट, इफ आई जेन्युइनली सिट डाउन, लाइक सर यू कैन, थोड़ा ब्रेन को ट्रिक करना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैंने की कोई वीडियो भी देखी थी कि देयर इज आल्सो स्ट्रेंथ इन ज़ेन, कि हम जब तू अपनी फिस्ट ले, try to squeeze it as hard as you can, puri bhayankar jana, and what happens is tu thoda wo ho jayega, samajh like it's like thoda responsive, tera face banega jaisa hota nahi dam lagate waqt aise faces ban rahe aur tu pura apni squeeze karne ki koshish kar raha fist ko, aur wahi kuch strength hai ye, wo banda fir bolta now try to do it with calmness, aur fir tu realize karega I did this, पहले था मैं एकदम ऐसे करके ठीक है, फिर मैं एकदम ट्रू रिलैक्स एंड ट्राई टू जस्ट थिंक अबाउट स्क्वीजिंग 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 हार्डर, मैं कहता हूं भाई आई कैन स्क्वीज इनफ टू हर्ट माय फिंगर्स, आई कैन स्क्वीज हार्ड इनफ, दर्द हो रहा है फिंगर में, सो लाइक आई कुड स्क्वीज हार्डर व्हेन आई वाज एट मोर काम एंड मोर क्लियर आउट, एग्जैक्टली ज्यादा एग्जैक्टली, तो हम अब व्हाट टाइम जैसा मेरा लिटरली जो करंट डाउनसाइड जो व्हाई आई फील like a bozo, like a dumb loser, ठीक है? इसकी मैं सोच तो रहा हूं कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, ये करना है ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है, पर होता बहुत कम है उससे, और फिर वो तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री को डैमेज करता है वगैरह जो भी, राइट, थोड़ा ज़ेन में आके थोड़ा कामनेस, हाँ, आई बिलीव भाई इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सर इट्स अ लॉन्ग जर्नी, अभी हम यंग हैं, इट्स नॉट अ स्प्रिंट भाई, भाई सही बात है, मैं कह रहा हूं कि कोई बात नहीं भाई, इट्स ऑडियो पॉडकास्ट, कोई नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर अगर तेरे को अभी कोई प्लेज लेना हो इस पॉडकास्ट में कि अभी सेकंड एपिसोड, ठीक है, व्हेन वी रिलीज द 50th एपिसोड ऑफ लंगूर्स, 50th, ऐसा क्या तो प्लेज कर रहे कि यू विल सी मी द ट्रांसफॉर्मेशन की उस टाइम पे हम कर देंगे एनीथिंग रिगार्डिंग एनीथिंग लाइफ, और आई लाइक जेन्युइनली मीन इट, हां आई विल से 50th एपिसोड तक, एंड हम डालते हैं पॉडकास्ट एवरी मंडे,
like kuch ek milestone wise kare, like anything, like any goal to achieve, anything, could be anything. Yeah, to milestone wise I'll say ki when 50th episode of langur comes, we should have 60,000 views on langur podcast, like episodes. Okay. And I want ki mere channel ki kuch growth ho, and I'll say 50th podcast, 50 weeks, huh. I'll go with 12,000 subscribers, 10,000, 12,000 around that. Let's say for them. ठीक है. It's interesting तेरे milestones numbers के regarding थे. It's interesting कि तू कितना corrupted आदमी है. It's interesting मैं बहुत corrupted. तू कितना corrupted आदमी है. मेरी life में peace नहीं है. मेरी life. हाँ भाई, you got peace. Come on भाई, come on. But एक नहीं, fair है, fair. हर किसी के ना like goals different है भाई. Like it's your choice. अगर मैंने सोचा नहीं ना उस बारे में, I didn't see the big bigger picture. मेरा भाई, like for me जो मेरे को चीज बक रेट्स में फिजिक, obviously it's like come on, it's so visible, like I have to look good, I know I can look good, so like a lot of people can. By the you look भाई, come on, like एक तो look good भाई, look good मतलब feel good, समझ ले, look समझ नहीं ले, you don't feel healthy, you don't feel healthy. हाँ exactly हाँ वो चल ठीक है, तो वो कह सकता है, मतलब I don't feel like I feel ki bhai man I can do much better, so like physically come on like it's something jo karni padegi, come on somebody ke exactly. So by the 50th episode I will be more jagged, like ye pakka true hai, this is truth, same truth I believe in you, I will be jagged, I will show it, this is fact. Abhi I'm like kuch jagged nahi, abhi I'm like nothing, kuch bhi nahi, khatam hai, kuch scene nahi, I'm skinny, theek hai, I can see some. You can do something. You can't see nothing. But someone like ये मेरा वो है. मतलब पता है मेरा like purpose क्या है ये बोलने का. The reason why like और मैं चाहता हूँ कि जो भी podcast देख रहा है, you should have एक ऐसा goal जो तुम by the 50th episode हमें बताओ कि मैंने achieve करा. और मैं चाहता हूँ you start from scratch अभी आज. Like for example like legit मैं start from scratch आज करा genuinely. So like no same. कि भाई चलिए समझ रहा फिजिक वाला तो आज है सैटरडे तो हमने रिकॉर्ड करा और मंडे को पोस्ट होगा तो लाइक समझ लाइक दो दिन हो गए इस बात को तो आई एम टू डेज अहेड नाउ जो भी है द पॉइंट इज कि इट कुड बी एनीथिंग बट बाय द 50th एपिसोड आई शुड डू दिस एंड पता पर्पस क्या लाइक एवरीथिंग हैज शुड हैव अ व्हाई कि तुम क्यों कर रहे हो लाइक फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि मेरे को 12,000 सब्सक्राइबर चाहिए फिर मुझे 60,000 व्यूज चाहिए व्हाई लाइक अब व्हाई तुझसे पूछ रहा हूं व्हाई हाउ डिड मेक यू फील जब तू वो अचीव करेगा पूछो अपने आप से आई थिंक इट विल मेक मी हंग्री फॉर मोर इन अ वे लाइक मेरे को ना एक थोड़ा एक मेरे को वर्थ को लेके थोड़ा एक अगेन थोड़ा टॉक्सिक वाला वो है माइंडसेट व्हाई एम आई डूइंग दिस दैट्स कि आई वांट इट टू बी वर्दी ऑफ दिस मच आई वांट लंगूर्स टू बी वर्दी ऑफ 60,000 व्यूज आई वांट माय चैनल टू बी वर्दी ऑफ दिस मेनी सब्स ठीक है दैट्स द Like, तो मैं थोड़ी वर्ड चेस करूँ अग्री थोड़ा टॉक्सिक है थोड़ा बेकार है बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जब मैं नहीं कर रहा था तब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था तो इट वाज लाइक इट वाज इन एक्शन वर्सेस सम एक्शन रादर हैव समथिंग लाइक तो कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली चीज है एंड आई डोंट वांट टू फील ऐसे बैठा हुआ और कुछ नहीं समझ तो मतलब यू वांट कि हमारे कोई गोल होने चाहिए एंड आई शुड अचीव देम Exactly, bhai. And even if I fail, for example, even agar ab tera goal achieve nahi ho paya, for example, whatever it may be. But then, this is one thing I'm practicing on, ki to take anything with a smile. I want to be that guy. वही तो peace है दोस्त. I don't want to be. वही तो peace है. भाई कि सुन something wrong happens, this doesn't work out, fine. Take it on with a smile. पर मेरे को लगता है ये like this. Is what you should chase as a man, not man like, but chase as a human. Like, this is the best quality of human. Take on everything with a smile. Unmoved, unfazed. True. मतलब हाँ, I would say हाँ, true. मतलब मेरा पता why क्या? Like why? Like I think हर किसी का why should be very clear. I think पता जो लोग clear होते हैं, I don't deep it. For example, जैसे तू कर रहे ना, but ठीक है, I'm not deeping it enough. मैं पता कैसे लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट बन चुका यूट्यूबर बहुत बड़ा तू उससे बोलेगा ना लाइक तुझसे बात करेगा उसका पॉडकास्ट है बन चुका वो कह रहा है कि मैंने अगले एक साल की वीडियोस प्लान कर रखी है हर लाइक जिसकी मैं डालूं दैट्स क्रेजी वो बैन करने एक साल अहेड है
लाइक उसको पता कि अब शूट करना है, वो करना है, अब करना, लाइक ही इज सेट, ठीक है. एंड एंड ऑब्वियसली इट्स वर्किंग फॉर हिम टू, बट बिकॉज़ क्योंकि उसने ये रूटीन बहुत टाइम से फॉलो करा है, तो इट्स वर्किंग. लाइक उसने एक तो भैंचो रिस्क लिए, तेरे को पता है, ही टुक फक लोड ऑफ रिस्क्स. लाइक ही इन्वेस्टेड एवरीथिंग ही अर्न्ड फ्रॉम यूट्यूब बैक इनटू द बिजनेस. नोबडी डज इट. हु डज इट? लाइक दे वांट टू बाय अ प्लेस्टेशन, वी वांट टू बाय दिस, वी वांट टू डू दिस, ही डजंट केयर. लाइक भाई मानता है वो फिर से ग्रो करना है, ऑब्सेस्ड, ठीक है. एंड उसने अगेन इट टुक हिम टाइम, दो अभी वो 24-25 का आउट सी है, लाइक व्हिच इज वेरी यंग फॉर द मोस्ट बिगेस्ट यूट्यूबर वर्ल्ड का, बट स्टिल वो 13 की उम्र से कर रहा था, तो बोलते कि ठीक है उसकी जर्नी रही. एंड उसने काफी फेल करा इनिशियली, ही वाज वेरी मैड अबाउट इट, एंड वो काफी परसिस्टेंट था. एक तो ये चीज है कि यू नीड टू बी परसिस्टेंट रिगार्डिंग जो कॉन्सिक्वेंस हो, जो भी कॉन्सिक्वेंस हो. इवन अगर तू अचीव नहीं कर पाया पहली बार, लाइक लेट्स से कि 50th एपिसोड में मैं नहीं कर पाया अचीव, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से, व्हिच इज अ बहुत बड़ा फेलियर, नॉट गोना लाई, व्हिच इज अ बहुत बड़ा फेलियर, बट अगर मैं अचीव नहीं कर पाया, ठीक है, अगर मैंने एक्शंस लिए तब भी अचीव नहीं कर पाया, लेट्स से, लाइक फॉर एग्जांपल तूने एक्शन लिया कि मुझे 60K व्यूज चाहिए, तब भी तू अचीव नहीं कर पाया, डिस्पाइट ऑफ टेकिंग एक्शन यू कांट अचीव इट, व्हिच इज अ पॉसिबिलिटी, समझ रहे, यू गेव योर बेस्ट, यू कुड नॉट डू इट. दिस इज वेयर परसिस्टेंस कम. एंड पता है यहीं पर तुम्हारा वाई शुड बी क्लियर, वाई आर यू डूइंग इट, द वाई शुड बी वेरी क्लियर, तुम्हारा वाई क्या है. And I think, but why should always be intrinsic than extrinsic? समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ गया. Like तुम्हारा why should always be related to yourself, like your soul, self, अंदर से. Within बहुत personal. Exactly. Within, not कि यार अगर मैंने करी तो मुझे मेरे दोस्त या फिर like मेरी outer perspective या जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं उससे. क्योंकि that is flick. वो बहुत ही flicker है basically. It can change any time. Maybe you do it early. Maybe तू 30th episode तक 60K कर ले. What happens then? Are you feel like कि भाई fuck I'm the shit, ठीक है? Like somehow, like क्योंकि it also always depends on दूसरों के opinion. For example, मुझे like, study का example, ठीक है, मुझे chapter complete करने हैं, ठीक है, by the end of this month मुझे 10 chapter complete करने हैं, let's say जो भी 10 chapter ये करने, क्योंकि भाई मैं class में जाऊँगा, मुझे सब कुछ पता होगा, like मैं हर किसी से ऊपर हूँ, and ये like यही हर किसी का purpose, obviously भाई. Do you think anybody studies कि भाई नहीं यार, I genuinely want कि 10वें like जब मैं पहुँचूँ 10 chapter तक, कि मैं हर question solve कर पाऊँ, क्योंकि मैं इतना curious उसके बारे में. Maybe Newton. That's why he's Newton. तो I think जो why है ना, why लोगों का why, वो intrinsic नहीं, वो हमेशा external validation type वाला why, वहाँ बहुत problem है. Your why should be stronger than your how. Oh, oh. जैसे कि अगर मैं बोलूँ ना मेरा why, क्योंकि ये तो काफी personal, these are very personal discussions. अगर मैं बोलूँ मेरा why, ठीक है, कि why do I want to look like feel good by the 50th week of this podcast, ठीक है. Why? And अगर मैं बोलूँ मेरा intrinsic, क्योंकि मैं अभी recently build कर रहा है, start कर रहा, अगर मैं बोलूँ मेरा intrinsic why क्या है? I just believe कि भाई मेरा genuinely जो मेरा belief है कि I'm young and it's I think एक duty कि I should have a good body, simple. Like I believe कि a good body is a good mind and I should go for a run. I should somehow like ये से तुमको कर, like I believe कि it's good for me. I genuinely believe. क्योंकि अर्लियर आई शुड थिंक कि भाई ठीक है, मतलब ठीक है भाई, जिम के इसने भी जिम करके क्या उखाड़ लिया, हमारा ये बकचोदी, लाइक वो बकचोदी जो भी है, नॉट इवन जिम या फिर कुछ भी, कि क्या ही है, ठीक है, मेंटली तो ये भी फक्ड है, मेंटली तो ये सर, लाइक कुछ भी, कि मेंटली तो इनको भी प्रॉब्लम होती है, लाइक जो भी इंजरीज होती है इनको, पता नहीं क्या क्या बैठ जाते हैं, जो भी. बट आई जेन्युइनली वांट टू पुट एफर्ट टू मेक माई बॉडी बेटर, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, बट जेन्युइनली, लाइक अगेन इट साउंड्स वो, क्योंकि अल्टीमेटली देख हम दिल्ली के हैं, हम लाइक वी आर नॉट अंकित बयानपुरिया, कि हम सारे we live around people jinko humko please karna hai, which is true and I accept it. That's how we have grown, hamara brain waise wired hai, main deny nahi kar raha usko ki humko external validation nahi chahiye, bilkul chahiye, obviously I want to go in conversation jahan pe main comfortable feel karu, so like you want to, ek wo bhi purpose hota hai. But again, like that's what I'm trying to learn, that's what I'm trying to come, ki bhai how do I make it completely intrinsic, that is where you achieve peace, ki sab kuch intrinsic hai hamara towards you, towards your people, aur wo I'm not there obviously, bilkul bhi nahi, but एक वो तूने वो देखा है, एक वो इट्स लाइक अ मीम फॉर्मेट, आर यू विनिंग सन, एक वो डैड बच्चे के डोर से बोल रहा था आर यू विनिंग सन, और कुछ कर रहा होता बच्चा, एक उसका एक एक स्पेसिफिक मीम है उसी में, वो बाप पूछा आर यू विनिंग सन, और वो जो वो आई डोंट नो इट्स अ पर्टिकुलर इमेज, बहुत फेमस है उसको, उसका कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, बट इट लुक्स लाइक एक मैन एक हिल पे ऐसे एक बहुत बड़ा सा बोल्डर रोल करने की कोशिश कर रहा है, हिल अप टुवर्ड्स द पीक, तो मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन, लाइक ग्रेविटी इधर पुल कर रही है वो उसको उधर, तो वो आर यू विनिंग सन, एंड दैट हिज किड
trying to push it above the mountain, and he says yes dad. और वो ये it's the depiction कि उसका dad उससे पूछता है एक थोड़ा वैसा like it's a are you winning or no, you either win or you lose, समझ रहा है like हाँ पर वो in that journey, in that fight हाँ of bearing that weight, सब कुछ problem मुश्किल, he's pushing it and he says yes, he hasn't made it, he's not at the peak हाँ but he says yes. जज्बा है present of they're there like achhi vibes it's there well I'm not saying ki achhi vibes like kuch toxic don't bhi ho jate honge I don't know but main dekhi thi uski documentary okay bravo shikhar shikhar riding page as we speak agar tune dekhi ho ek I think har koi dekhe bhai main chahta hu Kanye West ki documentary jo hai jo uski proper Netflix documentary hai I think tujhko maine kar diya suggest mein dekhi nahi hogi usme basically Kanye West jab he was Kanye West pata kya tha Kanye West he was a producer theek hai मतलब वो दूसरे रैपर्स के लिए गाने बनाता था ठीक है प्रोड्यूसिंग करता था लाइक मे बी राइटिंग करता था कुछ जो भी ठीक है और यंग था ये यंग गाय फ्रॉम शिकागो कुछ नहीं करा उसने लाइक समझ रहे कोई इंटरेस्ट नहीं वो सब चीजें लाइक यू आस्क हिम उस टाइम पे बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है लिटरली सबको रिकॉर्ड कर रहा है ये तो क्रेजी बहन चो इतना कि इमेजिन बीइंग अ स्ट्रगलर एंड रिकॉर्डिंग एवरीथिंग थ्रू थ्रू योर दोस्त कि भाई तू रिकॉर्ड कर बाय व्हेन आई बी द शिट वी विल मेक अ डॉक्यूमेंट्री Imagine तू अभी मैं like let's say मैं coaching करूँ ठीक है I record कि भाई record this I'll go to India coach like coach India one day that's what he did that हाँ भाई और उसने proper record और मैं तो record तेरे को पता करता भी हूँ like समझ रहे like we record this and it's crazy जी भाई this conviction is crazy this is same crazy हाँ this is crazy भाई मतलब come on भाई like भाई, he knew river. God believed भाई he knew God believed But he believed in himself. भाई अगेन वही लाइक अगेन ये तो बेसिक शिट है बट आई डोंट नो भाई आई थिंक वो क्योंकि वो इतना इंट्रिंसिक था नथिंग कुड ब्रेक हिम समझ रहे तुम इतने इंट्रिंसिक हो गए यू लाइक अगर वो एक्सटर्नल डिडंट फेज हिम ही गॉट रिजेक्टेड लाइक एक क्लिप है जहां पे ही गॉट रिजेक्टेड सामने स्टूडियो पे गया पिच करने के लिए भाई मुझे ले लो साइन कर लो एज अ लेबल के पास गया एक लेबल के पास कि मुझे साइन कर लो एज एक आर्टिस्ट रिजेक्टेड सामने है लाइक सामने और ऐसा बहुत बड़ी हुआ उसका जेनुअली लाइक पूरा लाइक प्रॉपर फुटेज अच्छी तरह रिजेक्टेड बाय अमचोद पर क्योंकि इंट्रिंसिक इतना है क्योंकि बिलीव करता है क्योंकि पता है एंड बुरा टाइम भी है उसका पता जॉ टूट गया था उसका लाइक काने का एक गाना है थ्रू द वायर ठीक है उसका जॉ वाज ब्रोकन ही गॉट एन एक्सीडेंट ही वाज ब्लोइंग अप ठीक है ब्लोइंग अप थोड़ा गॉट एन एक्सीडेंट चू टूट गया कांट सिंग बट ही संग दैट सॉन्ग टूटे वायर लगा के मुंह पे और गाने का नाम थ्रू द वायर सही में और एक गाना लाइक है लाइफ और वो बोलता कि भाई गा तो सुनियो गाना लाइक गाना बहुत तगड़ा है आई लाइक द गाना पुराना गाना 2005-06 बहुत पुराना गाना सुनो भाई लुक ब्रो इट्स क्रेजी तो भाई मतलब ये चीज है कि अब पता है इससे क्या लोग मोटिवेट करें भाई वाह भाई ड्रिवन बनना यस ठीक है बट आई वुड से हां बढ़िया है बी ड्रिवन बट तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है व्हाट मेक्स चोंकी स्पेशल इज चोंकी व्हाट मेक्स मी स्पेशल इज मी वी कांट be catching the pace of our journey har kisi ka different lag raha you need to believe in god you need to believe in destiny some things you just believe in yourself wo intrinsic journey take the time le I know bahut bolna hamare liye sana hum ghar kisi ko problems hai bahut zyada ghar ka pressure jo bhi hai wo understandable hai but what but makes without special... patience nahi ho sakta patience dikhana padta hai patience ki baat nahi bhai main keh raha hu ki just be intrinsic nothing external should affect you make that goal be itna peaceful read some shit be attached to god ever jo bhi ki nothing in like nothing external could afford like nothing even agar tumko result mil raha it sounds stupid log tum pe ko rahe ki kya hi kar raha hai kya hi kar raha hai ankit first fucking doing 9000 ki zomato wali job ek mahine pehle imagine 9000 ki samajh like and he's 27 28 but like he's old like comparatively like, so he's not a young bloomer type kafi wo to bhai ultimately everybody is god like I think क्योंकि इवन इफ यू डोंट अचीव इट यू आर इन पीस ऑफ योरसेल्फ लाइक यू आर इन विद पीस ऑफ योरसेल्फ क्या कहते हैं उसे यू आर विद इन पीस विद योरसेल्फ यू आर इन पीस विद योरसेल्फ
एंड आई थिंक भाई पंकी इसी नोट पे आई थिंक वी शुड एंड द पॉडकास्ट बाकी फैक्ट वी लास्ट टाइम वी आस्क्ड यू गाइस टू राइट आई सर्वाइव्ड इफ यू रीच टिल द एंड ऑफ द पॉडकास्ट दिस टाइम बिल्कुल वी वांट यू टू राइट व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ टिल द 50th एपिसोड ऑफ लंगूर कम्स आउट लेट अस नो व्हाट आई वांट कि प्लीज राइट आई सर्वाइव्ड क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये कौन कौन एंड तक देख रहा है व्हिच इज इंपॉर्टेंट राइट पर ये बिल्कुल वो नहीं होगा एक्सट्रिंसिक कि हम एक्सटर्नल इफेक्ट कर रहे हैं नहीं कम ऑन भाई हम सब साथ हैं बट लाइक कम ऑन आर वी जस्ट फ्लिप अप एक सेकंड में हमने एक सेकंड नैरेटिव चेंज कर दिया नहीं मैं कह रहा हूं कि भाई फिर क्या नहीं दे भाई कम ऑन कह रहा हूं कि राइट करो आई सर्वाइव्ड एंड लिखो कि बाय द 50th एपिसोड उस टाइम पे डेट क्या होगी भाई तुझे आईडिया कुछ अगर हम दिमाग लगाए थोड़ा 50 वीक्स फ्रॉम नाउ नहीं 50 नहीं 48 वीक्स 48 वीक्स फ्रॉम नाउ मैच इस साल होगा अगले साल होगा अगले साल होगा अगले साल होगा सॉरी एक साल में कितने वीक होते हैं 52 आई थिंक तो यानी कि अगले साल के ब्रो वी आर फक्ड रुक जाओ चैट हाउ मेनी टू कर चैट यू बिटी कर ईयर आ 52 वीक्स ठीक है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू अ ईयर भाई दैट्स टू को ज्यादा नहीं कर दिया हमने कम तब तक कर पाएंगे छोटा है जस्ट राइट डाउन आई सर्वाइव की बात की तुम्हारा गोल क्या है व्हाट डू यू वांट टू अचीव बाय द 50th वीक क्योंकि वी विल लिटरली ask and we'll share footage and story अभी बहुत पता है self help वाला podcast बन रहा है क्योंकि समझ रहे कि बहुत family वाला वो आदमी गली छम अभी तक हमने शुरुआत में blowjob की बात करी तुमको पता तो चलते हैं ठीक है मिलते हैं भाई podcast में next bye bye